शिकारपुर नगर में सैकड़ों लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर इस डीएमसीओ को सौंपा ज्ञापन। शिकारपुर नगर में सैकड़ों लोगों ने हाथरस में हुए मनीषा हत्याकांड की घोर निंदा करते हुए कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च नगर पालिका पानी की टंकी से शुरू होकर मुख्य बाजार होते हुए निकाला गया। कैंडल मार्च खुर्जा अड्डे पर अम्बेडकर पार्क पर आकर समाप्त हो गया। लोगों ने कैंडल जलाकर मृतक मनीषा की आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की तथा लोगों ने इस कृत्य की घोर निंदा करते हुए शिकारपुर SDM वेदप्रिय आर्य CEO गोपाल सिंह को हत्यारों को फांसी की सजा दिलाने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। कैंडल मार्च के दौरान सैकड़ों लोगों ने योगी मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाए। ज्ञापन सौंपने के बाद पूर्व विधायक महेंद्र बाल्मीकि से जब मीडिया कर्मियों ने पूछताछ की तो पूर्व विधायक महेंद्र बाल्मीकि ने बताया, इस सरकार में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। एक गरीब बाल्मीकि युवती का गैंगरेप किया जाता है, इतना ही नहीं वे किसी को कुछ बता ना सके उसकी जीभ भी काट दी जाती है। यह दर्दनाक कृत्य कहीं ना कहीं इंसान की रूह को हिला देने वाला कृत्य है। इस सरकार में गुंडागर्दी चरम सीमा पर है। दिन दहाड़े बलात्कार छेड़छाड़ लूट मर्डर की घटनाएं हो रही हैं और उत्तर प्रदेश सरकार उन पर अंकुश लगाने में विफल नजर आ रही है। इरशाद मलिक, ब्यूरो चीफ। हिंदुस्तान का, पूरी दुनिया का यही मानना है कि इससे निर्मम हत्या नहीं हो सकती, इससे जघन्य अपराध नहीं हो सकता। और ये अभी जैसा विधायक जी, पूर्व विधायक जी बाल्मीकि जी कह रहे थे कि ये बाल्मीकियों का ही सिर्फ वही नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तान की बेटी थी, पूरे हिंदुस्तान की बेटी है, पूरे हिंदुस्तान में गम और गुस्से की लहर है। इससे बड़ा जघन्य अपराध और इससे बड़ा घिनौना अपराध नहीं हो सकता था। और उसके बाद जो उत्तर प्रदेश सरकार ने, हाथरस पुलिस ने और वहाँ के प्रशासन ने किया है कि उसकी चिता को भी शमशान में भी न जला के किसी अन्य जगह उसे जला दिया गया। उसके परिवार वालों तक को उसमें मुख अग्नि नहीं दी गई, जो कि कर्मकांड होते हैं या जो एक हमारे यहाँ हिंदू माइथोलॉजी और हिंदू प्रथा है कि उसके घर के लोग, उसके घर के उन्हें सुपुर्द किया जाता है और वो उसका मुख अग्नि देते हैं और उसका अंतिम संस्कार होता है, वो तक नहीं करने दिया गया। तो इससे बड़ा जघन्य अपराध भी नहीं हो सकता, इससे शर्मनाक बात भी नहीं हो सकती। उत्तर प्रदेश की सरकार को डूब के मर जाना चाहिए और इससे बड़ा कोई घिनौना अपराध नहीं हो सकता। पूरा हिंदुस्तान एक आवाज़ में मनीषा बाल्मीकि के साथ है, उसके साथ अत्याचार जो हुआ है उसके खिलाफ है, उसके परिवार के साथ में सबकी सहानुभूति है, हमारी भी सबकी सहानुभूति है, पूरे शिकारपुर की सहानुभूति है, केवल बाल्मीकि समाज की नहीं, जो पूरे हिंदुस्तान की बेटी थी, पूरे हिंदुस्तान की बहन थी, वो कल हिंदुस्तान का भविष्य थी, उस भविष्य को ख़त्म कर दिया। उसको क्या हुआ है 12 लाख लोग बेहतर जानते हैं, इससे घिनौनी हरकत नहीं है। यूपी में इतनी बड़ी उसने कामयाब किया और ये तो एक समाज से जुड़ा हुआ कार्य है। इतना बड़ा अपराध, इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ है, उसको अगर यहाँ की पुलिस भी दमनकारी नहीं थी अपनाती तो यहाँ पे पुलिस की भर्त्सना हो रही होती। हम यहाँ की पुलिस की तारीफ करते हैं अगर उसने हमारा सहयोग किया। एक तरफ तो होता है रोच में कुछ, यानी ऐसी भावनाएं भी होती हैं, क्योंकि पुलिस उत्तर प्रदेश की है, वो हाथरस में हो या शिकारपुर में हो, उसमें जन भावनाएं भड़क जाती हैं, उसके कारण ऐसा हो जाता है। अगर इसने ऐसा किसी ने कहा है तो वो उचित नहीं है। यहाँ की पुलिस ने अगर हमें सहयोग किया है तो हम इसका शुक्रिया अदा करते हैं। योगी आदित्यनाथ अपने जनमत को, आज उत्तर प्रदेश में जहाँ देखें उत्तर प्रदेश में चोरी, डकैती, हत्या, लूटपाट और बाबा योगी आदित्यनाथ के सजातीय रजिस्टर्ड गुंडे जातीय आधार पर जबरन दिन में मर्डर करने का काम कर रहे हैं, हत्या करने का काम कर रहे हैं, दिन दहाड़े बलात्कार करने का काम कर रहे हैं, हत्या, धूप का बलात्कार, आज ये उत्तर प्रदेश इतना निकृष्ट प्रदेश बना दिया जिस दिन से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। घटना 14 सितंबर की है। 14 सितंबर को हाथरस जनपद के चंद्रपा थाने के अंतर्गत भूलगढ़ी गाँव की रहने वाले 18 वर्ष की बेटी मनीषा के साथ में बाबा योगी आदित्यनाथ के सजातीय 4
दरिंदों ने बेरहमी के साथ में उसका बलात्कार किया, उसकी दुनिया को काटा, जान से मारने की नियत से उसकी गर्दन को भरवाकर के उसकी हड्डी को तोड़ा, रीढ़ की हड्डी को तोड़ा। ये तमाम सारी की सारी घटना बनी। पुलिस और प्रशासन मिलकर के योगी आदित्यनाथ के उन रजिस्टर्ड गुंडों की मदद करने का काम कर रहा है। बहुत मुश्किल, बहुत दबाव के बाद में बड़ी छोटी धाराओं में मुकदमा लिखा गया और बेटी को बहुत 12-14 दिनों तक अलीगढ़ मेडिकल में जबरन डाले रहे। बड़े मुश्किल के बाद में संबोधन किया, जहां बेटी ने अंतिम सांस ली। कल और कल का अब कृत्य देख के मेरे जीवन की शायद ये पहली घटना होगी, मैंने नहीं देखा आज तक भी। पुलिस जबरन परिजनों को लेकर के ताले में बंद करती है उनको लाठी मार करके, और उस बेटी को लेकर के शमशान भूमि भी रही एक जंगल में लेकर के उसकी चिता को आग लगाती है। ये कहाँ पे साले तथा कथित हिंदुओं, अपने आप को हिंदू कहने वाले, कौन चिता में आग लगाता है? वो पुलिस और हाथरस प्रशासन के लोग बताएं। जैसा कि सुनने में ये जनाब आप देखिएगा, आपकी मीडिया बोला है, आपका आजतक वाला बोला है, करके पुलिस प्रशासन के पास में कोई जवाब नहीं था। एक आपके आज तक के अंकर पूछती है कि आखिर इसमें जल क्या रहा है, उनके पास जवाब नहीं था। जैसे सरपोक लोग हैं, जानते हैं वाल्मीकि समाज जब जागता है, जब जागता है तो दिन में सवेरा कर देता है। इस देश का वाल्मीकि समाज जागा है और पूरे देश का जागा है। आज देश में इसी तरीके के धरने प्रदर्शन हो रहे हैं और इसको अंजाम तक पहुंचाने का काम करेंगे। ये जबरन उन्होंने उस बेटी की सबको छीन करके जलाने का काम नहीं किया, आप ये मान के चलिएगा। ये मनीषा की चिता को इन्होंने नहीं जलाया, ये उत्तर प्रदेश की बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार की चिता को आग लगाने का काम किया है। वाल्मीकि समाज उत्तर प्रदेश में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सत्ता में बैठे हुए मठाधीशों के ताबूत में अंतिम कील ठोकने का काम करेगा। ये आप इतना करके यकीन मान करके चलने का काम करिएगा।